मेरा नाम अक्षय प्रताप सिंह है और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लखनऊ विश्वविद्यालय इकाई का इकाई मंत्री हूँ। हम लोगों ने छात्र हितों के कुछ मुद्दे चिन्हित किए थे जिनको लेकर के आज हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं, जिससे विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी नींद से जागे और उन मुद्दों पर संज्ञान ले। उसमें से एक प्रमुख मुद्दा तो ये है कि टैगोर लाइब्रेरी का शाम का जो समय है वो बढ़ाया जाए, उसको बढ़ा करके रात्रि में 9 बजे तक किया जाए और उसका लाभ हमारी जो छात्राएं हैं वो भी उठा सकें। इसके लिए जो उनके छात्रावास का समय है उसको बढ़ा करके रात्रि 8 बजे तक किया जाए, उनके लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए और इसके साथ साथ ही जो विश्वविद्यालय के कैंपस में वाटर कूलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं, उनकी मरम्मत कराई जाए और ऐसे छात्र हित के साथ सूत्रीय हम आज विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंपने जा रहे हैं। कब से इन सब चीज़ों की मरम्मत नहीं की गई? लगातार ये समस्याएं विश्वविद्यालय परिसर में दिख रही थी और इसको लेकर के कल हम लोगों ने छात्र छात्राओं से संवाद किया है। लगभग 500 छात्र छात्राओं से व्यक्तिगत संपर्क कर उनके हस्ताक्षर कराए गए हैं और उसके बाद हम लोग उनके मांगों को आज विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष लेकर के आए हैं। लेकिन विडंबना यह है कि अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन ने यहाँ पर दरवाजा बंद कर लिया है और हमारी समस्याओं को सुनने के लिए तैयार नहीं है और ऐसे में हमें इस उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। छात्रहितों के लिए विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही तत्पर रही है और इसी सक्रियता के क्रम में आज हम छात्रों की इस मांग को, उनकी आवाज को मजबूती से यहाँ पर उठाने के लिए उपस्थित हैं। लड़कियां जो है उनकी क्या क्या समस्या है, यहाँ पे लड़कियां भी मौजूद है, उनको बुला दीजिए, उनसे बात करते हैं। जी, यहाँ पर जो हमारी छात्रा बहनें हैं उनकी महत्वपूर्ण समस्या ये है कि यहाँ पर कई बार उनको आसपास अभद्र तत्वों का, अराजक तत्वों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में जो यहाँ पर सेल्फ डिफेंस का एक प्रशिक्षक की नियुक्ति करके बाकायदा उनकी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए, ये हमारे मांग पत्र में सम्मिलित है। इसके साथ साथ ही उनका छात्रावास का समय जो है शाम के समय खोले जाने का, उसको बढ़ाया जाए, उसको 8 बजे तक कर दिया जाए क्योंकि जो मौसम है उसके अनुसार भी वो उपयुक्त होगा। साथ ही जब पुस्तकालय का समय बढ़ेगा तो वो पुस्तकालय की सुविधाओं का लाभ उठा सके, वो भी शिक्षित हो सके, इसलिए आवश्यक है कि उनके छात्रावास का समय बढ़ाया जाए और इसलिए हमारे साथ मजबूती के साथ छात्राएं भी उपस्थित हैं। और मैं आपको बता दूं कि लगभग 200 से अधिक छात्राओं ने इस मांग पत्र पर हस्ताक्षर भी किए हैं कि उनकी इन मांगों को माना जाए। पत्र को दिखा दीजिए अपने कैमरे में, ये बताइए कि आपकी जो समस्या है वो क्या है। हाँ, बेसिकली हमारी जो समस्या है, हमारी समस्या सिर्फ वॉशरूम्स को लेकर है। हम जैसे कि हमने पहले भी एक ज्ञापन दिया हुआ था सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन के लिए, क्योंकि बेसिकली जब हम सब जानते हैं कि एक लड़की होने का मतलब जो हमें विश्वविद्यालय परिवार के हिस्सा है, तो हमें जब अचानक से जब हमें कोई पीरियड्स अगर आ रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस चीज़ के लिए हमें सैनिटरी पैड मिलना चाहिए, क्योंकि ये स्कूल, ये हमारे लिए विद्यालय है और यहाँ पर होना चाहिए। इसके लिए हमने ज्ञापन दिया हुआ था और एक दो जगह सेटअप्स हुए भी हैं, बट हमारी यही मांग है कि इसको और सेटअप किया जाए। वॉशरूम यहाँ के बहुत ज़्यादा गंदे हैं और जब भी हम जाते हैं तो हमें चीज़ बहुत स्मेल आता है, डस्टबिन की प्रॉब्लम है, साफ पानी नहीं आता है और जब गर्मी का मौसम है तो पानी तो साफ मिलना चाहिए, पानी तो फिल्टर्ड हो, क्योंकि पानी की वजह से कितनी बीमारियां हो सकती हैं हमें, तो हमारी इतनी ही मांग है। और छात्रावास की प्रॉब्लम आप सब जानती हैं कि उसमें टाइमिंग की बहुत ज़्यादा इश्यूज है, अगर आप सिर्फ 7 बजे का टाइमिंग रखोगे तो अगर हमें कहीं कुछ जाना है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, 7 बजे तक तो सूरज भी ढलता है, तो टाइमिंग बढ़ना चाहिए, लाइब्रेरी की टाइमिंग बढ़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम BCom करने या फिर कोई अंडर ग्रेजुएशन कोर्स करने नहीं आए हैं, हम उसके अलावा भी तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी हुई या अदर कॉम्पिटेटिव चीज़ों की तैयारी, तो उस चीज़ों के लिए लाइब्रेरी का
टाइमिंग बढ़ना चाहिए और उसमें न्यू बुक्स आनी चाहिए क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुई है। तो बस इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम ज्ञापन देंगे और हम इस चीज़ की मांग पूरी करने की। गवर्नमेंट तो कहती है कि वो स्कूल कॉलेजेस और विश्वविद्यालय जो होते हैं वहाँ पर सैनिटरी पैड्स और ये सारी लड़कियों को लेकर के खास व्यवस्था कर रही है, ध्यान में रखती है, फिर ऐसा क्यों? इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, आप देखिए गेट नंबर 4 में अगर किसी लड़की को पीरियड्स आया है तो गेट नंबर 4 से गेट नंबर 1 नहीं आएगी सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन से, एक वेंडिंग मशीन है वहाँ से बच्चा गेट नंबर 4 से एक बच्ची गेट नंबर 1 की जगह जगह पर वेंडिंग मशीन लगाई जाए। और शौचालयों की सुरक्षा, शौचालयों की जो सफाई है बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जानती है कि इन्फेक्शन कितनी तेजी से फैल रहे हैं और आप देखेंगे शौचालय साफ नहीं है और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन के लिए हम लोगों ने पहले भी यहाँ पे ज्ञापन दिया है, कोई एक्शन नहीं लिया और ये प्रॉब्लम हम सब समझते हैं। और यहाँ कितने सारे टीचर्स हैं, मैम है, वो लोगों को भी जो यहाँ के जो टीचर्स हैं उनकी इसमें कोई सहायता नहीं करते, वो किसी तरह की मदद नहीं करते हैं कि आप लोगों की ये जो समस्या है उसका समाधान हो सके। वो आपके सामने आप देख लीजिए, अब गेट नंबर 4 से गेट नंबर 2 तक इसके अलावा और कौन कौन सी समस्याएं हैं आपके लिए जिसको आप चाहते हैं उसका समाधान जल्द से जल्द किया जाए? पानी की समस्या की बात हमने सुनी थी तो गर्मी का दिन आ गया है, पानी की समस्या को कैसे हैंडल आप लोग करते हैं? मतलब इतने साल से अभी तक क्या जो इससे पहले भी था वो यही समस्या थी और आज भी यही समस्या बनी हुई है? तो ये मैम देखिए, आज भी विद्यालय प्रशासन को इन सारी चीजों को अपने संज्ञान में लेना चाहिए। आप देखिए यहाँ क्या चल रहा है, अब बंद हो जाते हैं ना, पानी नहीं आता है, गर्म पानी आता है, बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं। धरना पर बैठे कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या मांग है। सर ये बताइए आप लोग किस लिए धरने बैठे हैं? हाँ ठीक है भैया, किस लिए धरना बैठे? कहाँ तो चिरागत है था हरे घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। तो ये प्रशासन से मांग यही है कि चिरागों को मैसर कराया जाए और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी प्रतिपूर्ति कर छात्रों को लाभ दिया जाए। और ऐसी क्या क्या कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी पूर्ति करवाना चाहते हैं आप लोग और उसके लाभ आप लोग को? प्रशासन से मांग है कि टैगोर लाइब्रेरी जो है हमारी, उसकी जो 5:45 पे बंद हो जाती है उसका समय बढ़ा के 9 बजे किया जाए और जो महिला छात्रावास हैं जो 6 और 7 बजे क्रमशः बंद कर दिए जाते हैं उनको 8 बजे बंद किया जाए। और जैसे पानी की, शौचालयों की, इनकी समुचित व्यवस्था और सफाई हेतु उचित कदम उठाए। धन्यवाद सर इनसे बात करने के लिए। यहाँ पर हमने देखा कि भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान जल्द से जल्द किया जा सके। और उनका ये भी कहना है कि उन्होंने कल ज्ञापन को जारी किया था लेकिन जो VC ऑफिस है उसे बंद कर दिया गया और उनकी मांगों को पूरी नहीं की गई, इसलिए हम आज मौजूद थे यहाँ पर, हमने छात्रों की बातें सुनी। हम चाहते हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरी करे और जो लड़कियों से जुड़ी समस्याएं हैं उनका निवारण जल्द से जल्द करे क्योंकि सैनिटरी पैड्स और हाइजीन जैसी जो समस्या है वो बहुत ही ज़्यादा अहम हो जाती है, खास करके उन लड़कियों के लिए जिनको इतनी दूरी का सफर तय करना पड़ता है। कैमरा अनुराग के साथ मैं सोनाली सिंह, डेली इनसाइडर लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।